दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको DVRU की एक अपडेट देने वाला हूँ। तो अपडेट देने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं बीएड के, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो जो आपके जो प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम हैं वो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूज़न्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसकी यह अपडेट है कि वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कुछ कॉलेजों में, मैंने बात करी तो कुछ कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 9-10 तारीख के आसपास स्टार्ट हो रहे हैं, तो किसी में 10 तारीख के बाद से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो 10 तारीख से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। जिसके पास अभी कोई अपडेट नहीं गई है तो उसके पास अपडेट चली जाएगी, और बहुत सारे बच्चों के पास अपडेट पहले से पहुंच चुकी है कि उनके एग्ज़ाम 10 तारीख से हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पिछली बार जहाँ भी हुए हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कॉलेज में ही होंगे, जो आपका कॉलेज है वहाँ होंगे। सेंटर पर इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कॉलेज में होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि हम जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो हमारे सर पे आ गए लेकिन टीचर ने हमें कुछ बताया नहीं है हमारे कॉलेज में, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखो प्रैक्टिकल्स, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के पास 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो आप अपने हर सब्जेक्ट की एक एक फ़ाइल बना लीजिए, प्रैक्टिकल की फ़ाइल, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आप हर एक सब्जेक्ट्स की फ़ाइल बना के रख लें, ठीक है, क्योंकि फाइल्स कोई भी प्रैक्टिकल हो, किसी भी कोर्स का प्रैक्टिकल हो, फाइल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। तो आप अपनी एक फ़ाइल बना लीजिए, जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो आप उसकी एक फ़ाइल बना के रख लीजिए, आपको वो काम आएगी आपके प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। टीचर ने बताया है नहीं बताया उससे कोई वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम में। तो अपनी हर सब्जेक्ट की एक एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बना के रख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम्स बायवा के एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है इस बार सेंटर पर होगा, सॉरी कॉलेज में होगा, सेंटर पर इस बार नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपकी आप अपने हर प्रैक्टिकल की एक एक फ़ाइल बना के रख लीजिए, हर एक एक सब्जेक्ट की एक एक फ़ाइल बना के रख लीजिए। तीसरी चीज़, आपके जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10 तारीख के बाद से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ ये न्यूज़ पहुँच चुकी है, उनके कॉलेज में बता दिया गया है कि आपके प्रैक्टिकल है इस तारीख से या इस तारीख से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, टाटा बाय बाय।